ये 2.5 किलो का हाथ अगर किसी पे उठता है तो व्यक्ति उठता नहीं है, उठ जाता है। अगर ये डायलॉग अगर इसके मिल जाए कि पुष्पा समझ के फ्लावर समझा क्या, फायर है मैं फायर, मैं झुकेगा नहीं सारा, तो एक अलग मजा है। इसको बोलते हैं मिक्स। जब आप दो चीज़ों को मिला के एक नया चीज़ बनाते हो तो उसका मज़ा ही क्यों आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ या ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा हूँ। बात ही कुछ ऐसी है कि मैं तो बहकी गया हूँ, आप लोग भी बहक जाएंगे। खबर सुनाने से पहले मैं हूँ रणधीर सिंगर और मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ अपने घर में सकुशल और सुखी होंगे। लेकिन आप अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरा हौसला बढ़ाएं। क्योंकि जो भी सनी पाजी के फैन हैं, मैं उनके लिए ढूंढ ढूंढ के ऐसे न्यूज़ लेके आता हूँ जो मुझे तो खुशी मिलती है, सनी पाजी के लिए आपको भी खुशी मिलती है। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम खबर को रिवील करते हैं या आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों खबर ही कुछ ऐसी आ रही है, सनी पाजी के जो गदर देखें, गदर 1 गदर 2 जिसने भी देखा, उसमें क्या था बेसिकली, एक पैट्रोटिज्म था, देशभक्ति थी, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे थे, भारत माता जय के नारे थे, और उसके साथ पाकिस्तान में जाकर और गदर मजाते हुए सनी पाजी का एक अपना स्टाइल था जो कोई भी VFX से नहीं मिलेगा। वो सनी पाजी का स्टाइल है जो सनी पाजी अपने तरीके से फाइट करते हैं और उसमें जो दर्शकों को मजा आता है, जो मूवी देखने जाते हैं थिएटर में उनको जो मजा आता है, उसका एक अद्भुत जो बोलते हैं ना फीलिंग्स होती है, तो वैसे ही कुछ मज़ा और आने वाला है। जो मज़ा दर्शकों को बॉर्डर 2 और लाहौर 1947 के न्यूज़ के बाद आ रहा था कि अरे अब फिर बॉर्डर 2 आएगा जो कि 1971 के पे डिपेंडेंट है या उसकी स्टोरी उससे रिलेटेड है, और लाहौर 1947 भी पाकिस्तान और इंडिया के वॉर से रिलेटेड है, तो एक अलग सा जज्बा आ जाता है भारत के लोगों में। लेकिन मैं जो खबर सुना रहा हूँ इससे इतर इससे बड़ी है। दोस्तों जो मैत्री मूवी मेकर्स हैं जिन्होंने पुष्पा का फ्रेंचाइजी लिया है, वो लोग अब सनी पाजी के साथ जुड़ रहे हैं और वो एक मूवी बनाने जा रहे हैं जो कि पैन इंडिया होगा। वो चाहते हैं कि गदर 2 के बाद जो सनी पाजी का एक जो बॉक्स ऑफिस पे एक मैंने माचो मैन का इमेज जो निकला है और देशभक्ति का एक क्रेज जो निकला है उसको वो भुनाना चाहते हैं, उसमें पीछे नहीं रहना चाहते। इसलिए वो लोग एक पैन इंडिया मूवी बनाना चाहते हैं। शायद इसमें अल्लू अर्जुन भी हो सकते हैं, मैं इसके ऊपर कोई ज़्यादा अभी खबर नहीं है, इसके लिए मैं इस पर ज़्यादा बोल नहीं सकता, तो हो सकता है इसमें अल्लू अर्जुन हो सकते हैं। पुष्पा के मेकर्स ने ये साफ कर दिया है कि वो एक पैन इंडिया मूवी जो देशभक्ति के ऊपर होगी, शायद वैसे ही होगी गदर, क्योंकि उन्होंने बोला है कि गदर से रिलेटेड होगी, तो मतलब इस तरह का शायद कहानी हो सकता है कि जिसमें सनी पाजी अपने फैमिली को बचाने के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं, इस तरह से जुड़ी कोई कहानी हो सकती है। और इसी चीज़ को पुष्पा के मेकर्स जो मैत्री मूवी से वो भुनाना चाहते हैं। इसके डायरेक्टर के लिए वो बात कर रहे हैं कबीर खान को, कबीर खान को जानते ही आप लोग, काफ़ी बड़े डायरेक्टर हैं, तो उनसे उनकी बातचीत चल रही है। तो अगर ये फाइनलाइज हो गया कबीर खान का, तो ये आप मान लीजिए कि सबसे पहले ये मूवी रिलीज होने वाली है, क्योंकि सनी देओल चाहते हैं वो भी कि ये मूवी सबसे पहले रिलीज हो, और इसके लिए वो डेट्स भी पूरे के पूरे सनी देओल देने को तैयार हैं, क्योंकि वो चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, क्योंकि अब वो जब से गदर की सफलता तो हाथ लगी है, वो नहीं चाहते कि कोई भी मूवी ऐसे साइन कर लूँ, तो इसलिए वो फूंक फूंक के स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं, पटकथा को पढ़ रहे हैं और उसके बाद वो साइन करना चाहते हैं। तो सनी पाजी हर कदम बहुत ही सोच समझ के उठाना चाहते हैं, वो चाहते नहीं हैं कि जो गदर की सफलता है ऐसे ही चला जाए, इसलिए वो मूवी को चाहते हैं कि पैन इंडिया जो पुष्पा के मेकर्स के साथ आ रही है ये पहले रिलीज हो। तो दोस्तों ये खबर इतनी बड़ी थी कि मैं चाहता था आपको शेयर करना। आपने देखा होगा गदर के टाइम पे कि लोग थिएटर में जाके वंदे मातरम, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते, वो नारा फिर दिखेगा। आप देखिए अभी जो भी मूवी चल रही है, जवान हो पठान हो, अभी एनिमल भी आ रही है,
सारे स्टाइल जो है फाइट का है, एक मतलब जो स्टाइल है साउथ इंडियन है स्टाइल, वो अगर सनी पाजी के साथ मिल जाए, जो कि जिसकी वजह से जवान और पठान के फाइट सीन को या एनिमल के फाइट सीन को लोग याद रख रहे हैं, चाहे एनिमल का टीजर में आया उसमें देखा गया, तो वो सीक्वेंस को अगर सोचिए सनी पाजी के साथ मैच कर जाए और दोनों का अगर एक साथ आकर खड़े हो जाए, तो आप सोचिए कि साउथ का तड़का और सनी पाजी का तड़का मिल जाए तो मजे ही आ जाए, फिर बल्ले बल्ले हो जाए। तो वो चीज मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था, वही होने वाला है। जब ये पिक्चर रिलीज होगी तो आप देखिएगा, मतलब मैं तो बोलना नहीं चाहता आंकड़ा कि कितना आंकड़ा पार करेगी, आप खुद ही इमेजिन कर लीजिए। जब 80 करोड़ के बजट को अगर सनी पाजी 700 करोड़ के ऊपर पहुंचा सकते हैं, तो जो मूवी अगर उस लेवल के बनेगी, तो आप केवल सोचते जाइए, जीरो बढ़ाते जाइए, पिक्चर कहाँ जाएगी आपको समझ के परे है, और जितने भी ट्रेडर्स हैं ना उनके भी समझ के परे होगी। और ये पिक्चर सबसे पहले रिलीज होगी, आप देखिएगा, बहुत जल्दी शुरू होने जा रही है, काफ़ी तेज़ी से इसके स्क्रिप्ट से लेकर हर चीज़ों पर काम चल रहा है। तो इसके आगे जो भी, अगर अभी तक तो ज़्यादा इसके बाद वो लोग रिवील नहीं कर रहे हैं, जितना खबर आया मेरे पास ये 2-3 दिन पहले ही खबर आ गया था, लेकिन मैं चाहता था कि मैं पूरी तरह से इस पर खबर आ जाए तब मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, तब एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इसके स्टार कास्ट के ऊपर, इसके डायरेक्शन के ऊपर, इसके रिलीज डेट के ऊपर, सब पे बनाऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपके इसी सब्सक्राइब और प्यार के लिए हमेशा से